अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग बना रहे हैं। अभी आज है फ्राइडे और टाइम बज हो गया, 2 बज गए, और आज हम जा रहे हैं थोड़ा इधर चिकन, हलाल चिकन लेना था। उसके लिए मैं अभी पोर्टो जा रहा हूँ और आपको आज दिखाते हैं कि हलाल चिकन हम कहाँ से लेते हैं। और आज भाई ने कटिंग करवा ली है, इस साइड थोड़ी उल्टी सीधी कर दी है। चलो कोई नहीं, गुजारा हो रहा है फिलहाल। हेलमेट अपना रेडी है, आज मैंने पकड़ लिया है काफ़ी देर के बाद, कोई दो वीक से ज़्यादा ही हो गया है। यार मेरा ना ये माइक, ये जो वायर वाला माइक है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बीच में अजीब सी आवाज़ आती है, जिस वजह से मेरे 2-3 ब्लॉग मैंने बनाए थे पर मैंने एडिट करने बैठा था तो बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही थी, फिर मैंने एडिट नहीं किया। तो मैंने ये ऑर्डर किया ऑनलाइन, तो काफ़ी टाइम हो गया, 1 वीक से ऊपर हो गया अभी तक, मतलब कि रिसीव नहीं हुआ, जिस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना रहा। मैंने सोचा चलो यार आज पकड़ ही लो, क्या पता थोड़ी वीडियो अच्छी बनी जाए, तो आज थोड़ा व्लॉग भी शूट कर ही लेते हैं। तो ये हमारी बाइक खड़ी है, और ये क्या फेंका हुआ किसी से ने, और ये 2-4 दिन से बारिशें हो रही थी, जिस वजह से हमारी बाइक फुल्ली गंदी हुई पड़ी है। ये देखें ये की है, अब जब मैं प्रेस करके रखूँगा ये रेड है ना, ये अब होगी हमारी बाइक ऑन, वैसे नहीं होगी। तो आज मैंने काम से छुट्टी की है, शाम को जाएंगे काम पे, क्योंकि आज थोड़ा सामान वगैरह लेके आना था, मैंने बोला सोचा कि चलो सामान ही ले आते हैं। और आज धूप निकली हुई है, बारिश आज बिल्कुल भी नहीं है। चलें जट साहब, आज मैं आपको सैर करवाता हूँ पोर्टो की, आज काम नहीं है, सुकून से आपको चीज़ें दिखाता हूँ अगर मिल गई तो। ज़रा मैं हेलमेट वगैरह पहन लूँ, सेटमेट कर लूँ इधर। चलो जी अब मैं आपको मिलता हूँ बाइक। ओए ये देखना, बारिश हुई थी रात और अभी तक पानी पाँच इसमें फिल हुआ होता है। चल चल सोच रहा हूँ ये उतार ही दूँ, पर यार ये उतारने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो ये मेरे हाथ फुली ब्लैक हो गए थे धूप से, तो इसलिए अभी नहीं मैं उतार रहा, थोड़े ऑकवर्ड से लग रहे हैं पर फिर भी गुजारा कर रहे हैं। तो अभी उम्मीद है कि हमारा थोड़ा आवाज़ का मसला हल हो, अगर नहीं तो फिर 2-4 दिन में हमारा नया माइक आ जाना है, तो फिर हम रेगुलर व्लॉगिंग स्टार्ट कर देंगे। और थैंक यू सो मच यार, इतने लोग जो कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं, इसका मतलब हमारा चैनल अब ग्रो हो रहा है। तो मैंने इंशाल्लाह 1 मंथ अगर रेगुलर वीडियो डालती ना तो मुझे पक्का यकीन है हमारा चैनल अच्छा भला ग्रो हो जाएगा। तो चले आपको मिलते हैं गोप्रो पे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गुज़न फॉर मोटो व्लॉग। तो क्या हाल चाल है, काफ़ी टाइम के बाद, कोई 2 वीक होने वाले हैं यार हमने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है, धूप निकली हुई है, और ये स्विमिंग पूल है, मेंबरशिप है जट साहब के पास, तो रोज़ ही सोचता हूँ जाऊँ जाऊँ जाऊँ, पर बहुत ही रूटीन है ना उल्टी सीधी हुई है। तो इंशाल्लाह ये 1 या 2 मंथ और है, तो फिर जट साहब की इंशाल्लाह रूटीन सारी सेटमेंट हो जाएगी, और ये हम स्विमिंग पूल पे भी जाया करेंगे, और दोबारा से हम जिम ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह, तो थोड़ी रूटीन सेटमेंट हो ले। तो आज हम जा रहे हैं इधर चिकन लेने, हलाल चिकन, वो स्पेशली मिलता है पोर्टो से, और पोर्टो में काफ़ी ना ये बंगाली और इंडियन शॉप्स हैं जहाँ से हमें हलाल चिकन मिल जाता है। ओए मैंगो आजो सर आजो, उधर से ना हमें हलाल चिकन मिल जाता है। और इधर गया मैं तो मैंने नहीं देखा यार जहाँ से ना कोई ऐसी हलाल चिकन वगैरह मिल रहा हो, तो इसलिए मुझे स्पेशल जाना पड़ता है। जब भी सामान लेना होता है तो इकट्ठे ले जाते हैं, तो 1 मंथ 2-3 वीक गुजर जाते हैं सुकून से। तो आज हम काम पे नहीं हैं, तो जब हम काम पे नहीं होते तो फिर मज़ा भी आता है यार थोड़ा ना व्लॉग बनाने का, एंजॉय करने का, और फिर हमें इधर उधर की हम चीज़ें देखते हैं तो हमें अच्छी लगती हैं। जब हम वो डिलीवरी पे काम कर रहे होते हैं तो फिर यही होता है यार, भगाओ भगाओ डिलीवरी कर दें, और फिर हमारा इधर उधर कोई फोकस नहीं होता यार कोई चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं। जब हम ऐसे निकलते हैं फ्री होके तो फिर हम देख जाके, आज पोर्टो अच्छे से थोड़ा दिखाता हूँ। और इधर से हमारा जो जहाँ मैं जा रहा हूँ पोर्टो है कम से कम कोई मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर। उम्मीद है कि आवाज़ आ रही हो,
नहीं तो प्रोग्राम बढ़ जाना है। अभी तक ना मुझे नाम याद नहीं हुए, ये बस इतना याद है ये रोड है रिपब्लिक का, इससे आगे नहीं मुझे नाम याद हो रहे। और ये ट्रेन है ना ये इधर तक इसका लास्ट स्टेशन है, अभी आगे हमारे घर के पास ना वो स्टेशन वगैरह बन रहे हैं मेट्रो के, तो इधर से अब ये मेट्रो आगे तक जाया करेगी क्योंकि ये लास्ट स्टेशन है। और ये चेक करें यार, अच्छा आज मैंने नोटिस किया ये भी। ओए भाई रास्ता दे दो बॉस, अभी हमने इधर से जाना सीधे रोड पे जाए ना, सीधा चलते जाए हैंड पे वो ब्रिज है जहाँ से वो ट्रेन गुजरती है उधर, वो बहुत प्यारा नज़ारा है यार। और उधर चेयर लिफ्ट भी है। ओए GNR, ओ इनसे बच के बस। अच्छा तो यार काफ़ी लोग ना पूछ रहे थे मुझसे, चलो मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पाकिस्तानी इंडियन लाइसेंस पे मतलब कि आप बाइक चला सकते हो। यार मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मतलब कि 6 महीने के लिए सुना है कि अलाउ होता है कि आप 6 महीने के लिए ना आप बाइक चला सकते हो। दूसरा पूछ रहे थे यार पुलिस इतना चेक तो नहीं करती, अभी तक मुझे पुलिस ने 2 दफ़ा चेक किया है, एक दफ़ा तो मेरी मिस्टेक थी और दूसरी दफ़ा तो वैसे ही वो ना खड़े हुए थे तो उन्होंने रोक लिया था। तो इतना पुलिस मतलब 50-50 है, कभी आपकी किस्मत ख़राब हो पर कहते कुछ नहीं आपका, अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह हो ना और चेक करके छोड़ देते हैं। और दूसरे अगर आप वो सीटी वाले होते हैं या सीटीटी वाले होते हैं जो आपके प्रॉपर आपको आप अगर आप काम कर रहे हो ना ऊबर का ग्लोबो का तो आपके पेपर वगैरह चेक करते हैं। अल्लाह का शुक्र है उनसे तो कभी पाला नहीं पड़ा, अगर उनसे पाला पड़ जाता तो काम ख़राब हो जाना था। ये पुलिस वाले अच्छे होते हैं यार, 1-2 दफ़ा रुके तो बस वो लाइसेंस चेक करते हैं और कुछ नहीं हो छोड़ देते हैं, कोई इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान वाली ये सीन नहीं है कि भाई पुलिस आ गई है भागो भागो, तो अच्छे हैं तो कोई इशू नहीं होता। अगर आपके पास लाइसेंस हो पाकिस्तानी हो वो चल जाता। आओ जी, ये है कि भाई जैसे उसने फुटपाथ पे पाँव रख दिया ना आपने रुकना है। और ये भी पुलिस जा रही है, कोई मसला ही नहीं। और रहने के हिसाब से पुर्तगाल यार मज़े हैं, मतलब जैसे हम इधर से कमाई करके पाकिस्तान जाते हैं ना तो उधर जाके जैशी मारते हैं, ये सीन इधर का है। जो इधर के ज़्यादातर लोग हैं ना कि दूसरी कंट्रीज़ में जा काम करते हैं और इधर बैठ के जैशी मारते हैं, क्योंकि इधर है ना काफ़ी सस्ती चीज़ें हैं, घर भी आपको कोई 51 फ्लैट मिल जाता है 600-700 में, और अगर आपको रूम चाहिए या सिंगल बेड वो भी आपको कोई 300-200 में मिल जाता है। तो अगर आपके पास अगर इधर रह के सर्वाइव करना वो थोड़ा टफ है, पर फिर भी कह रहे हैं भाई लोग ज़्यादा बेसिकली लोग इधर इसलिए थोड़ा सर्वाइव कर लेते हैं कि चलो यार पेपर बन जाएंगे हम चले जाएंगे और फिलहाल बर्दाश्त करते हैं भाई, करना पड़ता है भाई। ये मिनी कूपर, ये मुझे बहुत कमाल की लगती है यार, मिनी कूपर मज़े की गाड़ी है। नहीं 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 नहीं, गाड़ियाँ इधर है ना छोटी छोटी मोटी, आपको अगर आपने गाड़ी इधर लेनी है तो अच्छी कंडीशन में 3500 में अच्छी आपको थोड़ा पुराना मॉडल होता है कंडीशन में मिल जाती है, टेंशन फ्री हो गया आप इंजॉय करें। अच्छा ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ जो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं की, क्योंकि आज से पहले कभी इस मतलब पॉइंट से निकले नहीं कि यार हम थोड़ा देखने चाह रहे हैं, तब भी निकलते हैं चलो यार भागो भागो डिलीवरी कर रहे हैं। और इस साइड पे क्या है, हाँ जी इधर एक वो मज़े की जगह यार हाइकिंग करने के लिए, आप इधर बाइक वगैरह लगाओ और ये दरिया के साथ साथ ऊपर नीचे जगह है बहुत मज़े की हैं। और ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये है पोर्टो से तो हमें ऐसा डर लगता है ना कि जैसे क्या ही बताएं, ट्रैफिक बहुत होती है और कोई मसला नहीं है। हाँ जी इधर ये है कि आप यार जहाँ भी इशारा हो ना आप खुद ब खुद ही रुक जाते हो, क्योंकि आदत हो जाती है भाई का इशारा लगा हुआ है, रात को भी हो ना कोई गाड़ी नहीं है अकेला मैं गुजर रहा हूँ इशारा रेड हो जाए तो मैं रुक जाता हूँ। कोई ना यार आप एक चीज़ करते रहो तो आपको आदत हो जाती है। वाह आज मौसम काफ़ी साफ है, दूर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं,
अभी हम इस ब्रिज से गुजरे हैं, ये हमारे साथ है जो ब्रिज है वहाँ से मेट्रो गुजरती है, और ये जो राइट साइड पे ब्रिज है वो है हाईवे वाला। इधर से आपको नज़र आएगा कि नहीं, वो नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, वहाँ से मेट्रो गुजरती है। इनके घरों की एक खूबसूरती है, एक तो थोड़े कलर डिफरेंट होते हैं इनके हर घर का, और दूसरा जो इनकी छतें हैं ना वो थोड़ी सी एक टाइप की हैं, मतलब कि ये क्या इसको कलर कहते हैं, ब्राउन कलर उस टाइप की हैं सारी छतें, तो बहुत ही एक यूनिक सा व्यू आपको मिलता है। और लें जी, अभी हम हो गए एंटर पोर्टो में, ये हदूद रात हो गई है पोर्टो की, और ये आप हम चेक करवाते हैं आज पोर्टो। ये गाड़ी चेक करो, इतनी पुरानी है फिर भी सुकून से चलती है बिना कोई टेंशन के। अभी थोड़े देर, अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, ऐसा ऐसा दिन में गर्मी हो जाती है, और अभी इधर बहुत ज़्यादा लोग आने स्टार्ट हो जाने टूरिस्ट, और ये भाई कैफ़ों के बाहर मतलब बनी होती हैं, चेयरें रखी होती हैं, टेबल लगे होते हैं, क्या लेवल का सीन होता है जब इधर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये फुल हुए पड़े होते हैं। और जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं ना कि उन्होंने कलोनी काट ली है भाई 2-3 मरबों पे, ऐसे इधर है, मतलब कि फुल बिल्डिंगें होती हैं, जब आप गेट के एंटर होते हैं ना तो तब आपको पता चलता है यार ये तो एक अलग ही मतलब माहौल में एंटर हो गए, जैसे वो हमारे कलोनी नहीं होती हैं इस तरह की बिल्डिंगें होती हैं प्रॉपर, उनका भी वही निज़ाम होता है कि भाई बहुत लेवल की होती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के व्लॉग की आवाज़ आ रही हो, नहीं तो पोपट हो जाना है पोपट। ये भी देख स्टैचू बना हुआ है, ये आगे सारे इधर पैदल वॉक करने वाला सीन है। इधर तक तो मैं वैसे घूमने आया था फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये रोड सीधा वो ब्रिज से गुजर के आता है इधर, ये जो रोड है ना आप ब्रिज से गुजर के इस साइड को, हाँ ये गली है, अब इस गली का मुझे यकीन करो नाम नहीं याद, ना ही आता है, और इस गली में ज़्यादातर इंडियन और बंगाली शॉप्स वगैरह हैं, इधर सलून वगैरह भी हैं, कटिंग करवानी हो इधर से आपको इजीली मिल जाती हैं। इधर से आपने कटिंग खत करवाना हो ना जो ये इंडियन या बंगाली है, आपके पैसे लगते हैं कि 8-10 यूरो, अगर आप बाहर से किसी कहीं से करवाओ किसी पुर्तगीज से, और वो आपसे पैसे लेते हैं 18 यूरो खत का और कटिंग का। आज ये देखा, ये छोटी छोटी गलियां फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये भाई शॉप 6 यूरो हेयर कट 6 यूरो ठीक हो गया, और आपने खत करवाना 3 यूरो। तो ये गली है भाई, इधर आपको ज़्यादातर पाकिस्तानी इंडियन और बंगाली वगैरह मिलेंगे, इधर ज़्यादातर शॉप सारी वही हैं। ये अगर राइट साइड पे भी बंगाली शॉप है ऊपर, अभी जहाँ से मैंने चिकन हलाल लेना है वो थोड़ा सा आ गया इधर से सीधे ही। टाइम हमारे पास थोड़ा है, 2:20 हो गए हैं, और 3:15 पे हमने जाना है हमजा भाई के पास जूता बनवाने। जूता होता है जो घर का आपका कॉन्ट्रैक्ट जहाँ वहाँ पर रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और की हो गया वह भाई, अगे पीछे हो जा, बहुत काली है तेनू है। इसने आना पीछे, हाँ ये मसला है भाई छोटी छोटी गलियों का। ओके ये देखा टूरिस्ट आए हैं भाई, पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। ओए खुली है शॉप, ये है भाई इंडियन, क्या नाम था इसका यार, इंडियन अली ग्रोसरी स्टोर किस टाइप का है, ओए स्लिप ना हो भाई। ये गली ये आप चेक कर रहे हो, चलें मैं ज़रा चिकन ले लूं। अस्सलाम वालेकुम, फुली कर देनी है, काटनी नहीं है उनकी सफाई करके। हाँ जी, 3 मुर्गे और 3 करते हैं बोनलेस, 3 केजी बोनलेस और 3 करते हैं वो फुल्ली।
और हमारे पास क्या लेना था, ये लें भाई, इधर आपको सब कुछ मिल जाता है। ये आटा लगा हुआ था जो इधर चलता है 10 किलो का, ये यूज़ करते हैं। इधर चावल भी होते हैं और देसी सामान आपको सारी चीज़ें इधर से मिल जाती हैं। ये नूडल्स वगैरह पर हैं, दालें हैं, चने, और ये भी दालें वगैरह हैं, ये मसाले हैं, ये भी सारे मसाले हैं, ये आइसक्रीम वगैरह, सब्ज़ी हैं, सारा कुछ इधर से आपको मिल जाता है देसी। पर ये एक एक्सपेंसिव होती हैं ये चीज़ें जो इनके पास ना, देसी वाला सामान बहुत एक्सपेंसिव होता है। अब भी इधर मटन बीफ सारा कुछ मिलता है हलाल। चले डिवाइड करते हैं, कितना टाइम लगाता भाई। चिकन ले लिया और हमने क्या लिया है, एक मिनट ये चेक करें भाई, कबूतरबाज की इधर बहुत कमी है भाई, टेंशन फ्री हो गए कि तेन मर्द कबूतरबाज पकड़ो। अच्छा तो हमने लिया 3 केजी चिकन, केजी 3 से ज़्यादा होगा क्योंकि फुल मुर्गा लिया है, मैं तो कटवाया नहीं है यार, देख इधर भी लोग हैं ऐसे। और 3 किलो हमने बोनलेस लिए और हमने पैसे दिए हैं ये, हाँ बीच में लिए हमने चाइनीज़ नमक और टिक्का मसाला और हमने दिए 36 यूरो। अब मल्टीप्लाई कर लेना कि भाई सस्ता है या महंगा है। और इधर से हमने लेने हैं भाई नूडल्स, फरमाइश है तो लेने पड़ेंगे भाई, क्या कर सकते हैं भाई। फ़ोन मेरे पास ही, हाँ ये भी बंगाली शॉप है क्योंकि इस एरिया में काफ़ी बंगाली शॉप्स हैं जो आपको सब कुछ मिल जाता है इजी से। और खुल जा भाई, तीन नूडल्स लिए हैं और ये हमारे आए हैं 1 यूरो 80 सेंट। तो चेक कर रहे हो क्या सीन है। अभी हमने टाइम 3:42 हो गए, अभी हमने क्या करना है, अभी हमने पानी लेना है और उसके बाद हमने जाना है जूता बनवाने। तो आपको एक दो दिन में सैर करवा के लाते हैं किसी और शहर की भी। और आप चेक कर रहे हो कि आपने एक दिन काम किया है और आप अच्छा भला राशन अपने घर का कर सकते हो, मतलब कि एक दिन आप ऊबर ग्लोवो करके अपने वीक दो वीक का सामान ला सकते हो। तो इतना भी महंगा नहीं है, जस्ट इधर जो महंगाई है ना वो है आपके रेंट की, उसके अलावा इतना महंगा नहीं है। अगर आपके पास इधर रेंट थोड़ा कम हो जाए ना तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ना वो रेंट का है, बाकी ग्रोसरी खाना पीना इतना भी महंगा नहीं है। चलें यार, तो इससे साबित होता है कि भाई आप एक दो दिन अच्छे से उबर ग्लोवो करके कोई अपना 2-3 वीक का सामान घर लेके जा सकते हैं। खुल गया है, ओके ये क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ भी ये कोई काम कर रहे हो ना साथ पुलिस वाला लाजमी खड़ा होता है, और हमारे पास टाइम कम है, नहीं तो मैंने आज आपको पूरा मूड था कि इधर ना नीचे लेके जाता आपको कुछ सैर वगैरह करवाता, कोई अच्छे से नज़ारे दिखाता, पर एमरजेंसी है भाई, जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा। वे मैं गलत आ गया हूँ, शिट मैंने उस लाइन पर जाना था यार, सॉरी माई मिस्टेक, होता है, सॉरी बॉस। नहीं तो आज ये मैं नाना जाना होता तो मैंने आज आपको इसे नीचे लेके जाना था और दरिया की सैर करानी थी इसके किनारे किनारे पे, क्या लेवल का मज़ा आता है। और अभी हम जा रहे हैं वापस गाया कॉन्टिनेंट से पकड़ना है पानी लेना है, उसके बाद जाना है घर जाना है, घर से पेपर उठाने और पेपर उठा के इधर से घर से जाना है हमने कोई 20-25 किलोमीटर दूर। हाँ
काम तो खराब है। चल कोई नहीं कोई नहीं, जट सब मुड़ जाओ जी मुड़ जाओ। ये भाई इधर से आपको साइकिल वगैरह रेंट पे मिल जाती हैं, छोटी बाइक्स घूमने के लिए। बस 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 रास्ता दे दे, बस जाना है। अभी मैं घर उससे ये सामान रखा हूँ, उसके बाद हमने वो जो कॉर्नर है ना इस साइड पे जाना है, इस साइड पे वो जो एंड पे बिल्डिंग है नहीं आपको नज़र आ रही, इससे थोड़ा दूर ही है। हाँ जी क्या क्या हाल है, काम कर रहे हैं ये? कैसा काम आज नहीं है? ब्लॉग बना रहे हैं मैं आज। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। जी हम ये बोतल आगे रख लेते हैं क्योंकि सीट में जगह बिल्कुल भी नहीं है, फुल हो गया है। ओके चल इधर से मार ला शॉर्टकट, जो मर्जी हो जाए शॉर्टकट तो मारना होता ना लाजमी। इतने न्याणे भी आए वा अज वेखिए काफ़ी देर बाद। भाई ये है इधर से मैं कटिंग करवाता हूँ, ये घर के पास ही है बिल्कुल, और ये हमारा घर है। अभी हम घर पहुँच गए जल्दी से, यार टाइम कम है अभी। एक सेकंड पानी इधर रखो, ये मैं शॉपर निकालता हूँ, इसमें हम अपना सामान डालते हैं। ये हम चिकन, ओके बोनलेस, ये हमारा बोनलेस, ये हमारी बोतल, ओ नूडल्स रह गए, ये हमारे नूडल्स, ये हाँ मसाला, ओके ऑल क्लियर ऑल क्लियर। तू गिर जा। और चाबी कहाँ है घर की? चाबी ये रही। चलो यार अभी मैं घर पहुंचता हूँ और ये सामान रखता हूँ, डॉक्यूमेंट उठाता हूँ और निकलता हूँ जनता बनवाने थर्ड फ्लोर। ओके ओके